हेलो, गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम जो है आज पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आपको सबको पता है 20 से। तो यूनिट टेस्ट के बेस पर आज हम जो है इंग्लिश में रिवीजन वर्क करेंगे। ओके, तो आप क्या पढ़ेंगे आज, व्हाट इज दिस एंड दैट। ओके, तो दिस दैट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपका यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, दिस मीन्स यह, तो यहाँ आपका ट्री बना हुआ है, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, आपकी काइट बनी हुई है, तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, दैट इज अ काइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दिस, यहाँ आपका हट बना हुआ है, आप आंसर लिखेंगे दिस इज अ हट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, यहाँ बॉल बनी हुई है, आप आंसर लिखेंगे दैट इज अ बॉल। ओके, तो ये आपका हो गया ट्री, काइट, हट, बॉल, सारी चीज की स्पेलिंग आपको लर्न होगी पहले से ही, ठीक है, तो आप जो है अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड रिवीजन है इंग्लिश में, सेकेंड रिवीजन है वर्ड अपोजिट। ओके, यहाँ आपका वर्ड लिखा होगा ये सारे, और ये इसके अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ है बी आई जी बिग, तो बिग मीन्स होता है बड़ा, तो बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। ओके, यहाँ क्या है, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश होना, तो इसका अपोजिट होगा सैड, एस ए डी सैड, सैड मीन्स दुखी होना। आर आई जी एस टी राइट, राइट मीन्स सही होता है, तो राइट का अपोजिट होगा रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग। फिर है आपका डे, डे मीन्स होता है दिन, तो डे का जो है अपोजिट नाइट, डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात, एन आई जी एस टी नाइट। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, तो अप का अपोजिट डाउन। ओल्ड मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया। ओके, तो ओल्ड का अपोजिट न्यू। फास्ट मीन्स तेज, स्लो मीन्स धीमे, तो फास्ट का अपोजिट स्लो। गुड का बैड, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स गंदा, तो इसका अपोजिट बैड। ओके, ये सारी चीज आप लर्न कर लेंगे, इसी में से हम देंगे आपको यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है, थैंक यू।